पहला तो सारे मीडिया साथियों का बहुत धन्यवाद जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस है साढ़े यूथ प्रधान मीत हेयर जी MLA बरनला के नाल उन्होंने सह प्रधान अनमोल गगन मान जी करे। उस तो पहला असी एक बहुत ही अहम इतने ज्वाइनिंग करवा जा रहे हैं जिहड़े पंजाब दे विच टीचर यूनियन दे बहुत ही लड़ाई लड़ते योद्धे रहे ने मुलाजम लहर के जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान पाया जिन्होंने अपने हकों वास्ते कई बार भुख हड़ताल भी रखी कई बार उन्होंने बड़े बड़े संघर्ष करके चीफ मिनिस्टरां दा एजुकेशन मंत्रियों का घराव करके मुलाजमान नूं अपने हकों दबाउण विच योगदान पाया। धर्मकोट हल्के तो बिलोंग करते हैं सरदार जसविंदर सिंह सिद्धू जी प्रधान ETT टीचर यूनियन, मैं उन्होंने स्वागत करदा आम आदमी पार्टी वालों और मैं बेनती करूँगा साढ़े बहुत ही सत्कारयोग सबका चेयरमैन कोर कमेटी प्रिंसीपल बुद्ध राम जी उन्होंने सरोपा पा के आम आदमी पार्टी में शामिल कर लगे। उस तो बाद साढ़े यूथ प्रधान MLA मीत हेयर जी वो भी सरोपा पा के इन्हों वेलकम कर लगे पार्टी के। मैं प्रिंसीपल बुद्ध राम जी साडे MLA बुलाडे तो सबका चेयरमैन कोर कमेटी को बेनती करांगा कि वह दो मिनट वास्ते सिद्धू साहब नूं वेलकम कर प्रिंसीपल बुद्ध राम निकल चलते तो कट ले स्प्रे हितों वास्ते बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है 42 दिनों का मरण वर्त भी रखा गया इन्होंने सूँ पता है उस तो मैं भी टीचर सी स्पोर्ट पर आए थे। सो उस मरण डंडे खा के अध्यापकों के हरेक मंगा मनाने वास्ते मोही रहे हैं सूँ बड़ा माण है इन्होंने। अच्छ असी पटियाला तो ही चुने कि यह पटियाला वो शहर है जिथे हूँ भी जो अध्यापक ने तुम देखोगे कोई 10 दिन बाद कोई हफ्ते बाद अपनी मंगा मनाने वास्ते आते हैं किमें जालम सरकार औरंगजेबी हुक्म दे के उन्होंने मंग डंडे लैके पैंदी है। साड़ियां धीआं भैणां जो साड़े टीचर ने उन्होंने नाल उन्होंने चुनिया उन्होंने वाल खिल रहे असी आम फोटो देखते हैं इस करके असी अज इस मुख्यमंत्री का जिथे अध्यापक जो कौम के निर्माता ने वड्डी पद्धर से उन्होंने कुटिया जाता है उन्हें हकी मंगा वास्ते भी असी इस करके पटियाला जिहड़ा जिला है पटियाला शहर है ये सिद्धू साहब की ज्वाइनिंग वास्ते चुनिया गया सी तां जो अध्यापकों का इन्होंने बहुत वड्डा जिहड़ा काम किया बहुत वड्डा अध्यापकों के हितों वास्ते काम करते रहे हैं। सानू बड़ा माण है इन्हां दी ज्वाइनिंग दे उत्ते और सानू बड़ा बल मिले है कि एक बुद्धिजीवी सैक्टर के आके साड़ी पार्टी ज्वाइन किया मैं प्रिंसीपल साहब की गल नूं अगे वधाउंदे होए सरदार जसविंदर सिंह सिद्धू जी का आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रधान भगवंत मान जी वालों अरविंद केजरीवाल जी वालों और समुची पार्टी वालों स्वागत करता है और बेनती करता है साढ़े प्रधान यूथ विंग के मीत हेयर जी वो भी स्वागत कर मीत हेयर
मैं एक सिद्धू साहब नूं बेनती करांगा कि वह अपने तजर्बे तो मीडिया नूं पब्लिक नूं दसन कि किस तरह उन्होंने आम आदमी पार्टी नूं चुनिया और नौकरी छड्ड के अपनी टीचर की रिजाइन दे के यह पार्टी के शामिल हो रहे हैं। असीं होर भी स्वागत करते हैं क्योंकि इस तो पता चलता है इन्हां दे मन विच बलबला पंजाब प्रति जो पंजाब नूं लुट्टिया जा रहा है पंजाब नूं बर्बाद किया जा रहा है उन्हें रोकण वास्ते इन्हां ने एक अपना संघर्षी कदम अगे वधाया। असीं स्वागत करते हुए बेनती करते हैं सिद्धू साहब नूं कि दो मिनट अपने विचार रखो। बहुत ही सत्कारयोग साढ़े मानयोग प्रिंसीपल बुधराम जी MLA बुढ़लाडा और साढ़े बहुत ही सत्कारत नौजवान लीडर यूथ ते पंजाब दे प्रधान MLA बरनाला मीत हेयर जी साड़ी भैन अनमोल जगनमान साढ़े बहुत सत्कारत सरदार हरचंद सिंह जी बरसठ साहब साढ़े जिला प्रधान जी और इन्हां दे नाल समुची टीम और विशेष तौर पर मैं धनवादी हाँ पटियाले की सारी प्रेस का और मैं दसना चाहवागा कि अज पटियाले की प्रेस के नाल गलबात करद्या मैनू कोई नवा महसूस नहीं हो रहा क्योंकि पटियाले दे विच्चों साडा संघर्ष 2004 दे विच उदों शुरू होया सीगा जदों इत्थों मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह बने सीगे और असीं उदों बेरोजगार हुंदे सी और इन्हां ने आउंदे सार मुलाजमां दे उत्ते बहुत वड्डे हमले कीते। सब तो वड्डा हमला यह सीगा कि अज लखां मुलाजम जिन्हां दी पुरानी पेनशन हुंदी सीगी उह खत्म कर दित्ती गई और खत्म करके उन्होंने CPF के अंडर लिया और अज जो कोई मुलाजम अपने घर में जाता है तो वो 2000 रुपया महीना पेनशन लगती है। जिदा मैं अज नौकरी छड के जा रहा तो मैं 2000 रुपया महीना पेनशन मिलेगी जो कि एक MLA वो भी इस देश का नागरिक है वो जिन्नी बड़ी MLA बनेगा उन्निया पेनशन लवेगा। एक काला अध्याय मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 2004 शुरू किया और इस तो अलावा पंजाब के जिन्ने स्कूल सीगे सरकारी उन्होंने बेचण की प्लैनिंग जी है 2004 के बन गई सी कि प्राइवेट कंपनिया लवली आए एयरटैल आए भारत आए उन्होंने सौदेबाजी हो चुकी सी और जदों सानू पता लग्या सी बेरोजगार सी और असी पटियाले मोती महल के बाहर इट ना इट खड़काई 307 के परचे होए जेलां देखिया और उन्होंने स्कूलों बचा के 13,000 अध्यापक असी रैगूलर तौर पर भर्ती कराया और भर्ती कराने तो बाद वो स्कूल इन्होंने जिला परिषदों को देते सीगे और जिला परिषदों तो आजाद कराने वास्ते बादलों की सरकार आई 7 साल उन्होंने नाल लड़े उही संघर्ष जो कैप्टन अमरिंदर सिंह मौके भर्ती समय चलिया उही संघर्ष सानू बादलों के नाल चलना पिया। पहला पग्गां चुनियां साडियां पटियाले रुलदियां सी वह पग्गां वह चुनियां साडी कुट मुड़ के लंबी दे विच तब्दील हो गई। कहन तो पाप के 70 सालों तो यह लोग साडे देश नू चला रहे हैं और 70 सालों तो साडे देश नू इन्हां ने बर्बाद करके रख दिता है। और मैं उह स्कूल जिहड़े जिला परिषदां दे विच गए सी उन्हां नू वापस एजुकेशन डिपार्टमेंट च लियाउण वास्ते 43 दिन का मानवर मोहाली विखे रख्या सी और उस समय सरदार भगवंत सिंह जी मान जो आम आदमी पार्टी पंजाब के प्रधान ने और उन्होंने जो मजीठे के घर के बाहर साड़िया कुड़िया साढ़े मुंडे कुटे गए तो लोग सभा के जेकर किसी ने आवाज बुलंद की सी तो आम आदमी पार्टी ने की सी और भगवंत मान जी जो लोग सभा च बोले तो इन्होंने लोगों दड़ा हिलिया सगिया और उस तो बाद सरकार फैसला लैन वास्ते मजबूर होना पाया कि स्कूल वापस सिक्ख्या विभाग च लिया 57 स्कूल। और अज मैं ज़्यादा लंबा नहीं जावगा मैं सिर्फ एको गल कहांगा कि मैं 20 साल अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट नूं दित्ते आ और जिहड़ी बाकी बचदी जिंदगी है वह मैं आम आदमी पार्टी के लेखे लाने जा रहा क्योंकि मैं 20 साल संघर्ष लड़िया है देखिया अज भी 56 दिन हो गए मुख्यमंत्री के शहर च साडे बेरोजगार अध्यापक टावर के उत्ते बैठे ने कोई सुनवाई नहीं पैर गल चुके ने और राजा जिसनों चीकुआ का फिक्र हैगा जिसनों सीताफल का फिक्र हैगा उन्होंने उन्होंने बेरोजगार का फिक्र नहीं है कि किस हालात च ने अज घर घर की नौकरी अज गल कच्चे मुलाजमान पक्के कर चंडीगढ़ च बैठ के आते कुट खा के मुड़ जाते हैं पर हुण असी फैसला कर लिया कि असी कुट नहीं खावे इस गंदे मूहरे होके लड़ांगे और लड़ाई
लोग कहते हैं कि राजनीति गंदी है ये ना आओ क्योंकि इन्होंने लोगों को पता है कि राजनीति साढ़े वास्ते बनी है पर यह राजनीति हुण इन्हां लोगों के हाथों च नहीं रहन देनी। आम आदमी पार्टी एक पार्टी नहीं एक क्रांति है जिहड़ी पंजाब दे विच आई है और असी अज फैसला कर लिया कि पंजाब के समुचे मुलाजम आम आदमी पार्टी नाल डट के खड़ांगे और आने वाले समय च एक इतिहास सिरजांगे और इन्हां लोगों नूं कुर्सियां तो पासे करके लोगों का एक सिस्टम का जिहड़ा राज है वह पंजाब दे विच लियावांगे जिहदे विच पुरानी पेनशन जे MLA नूं मिलती है तो दूजे मुलाजम नूं भी मिले जे कच्चे अध्यापक 16-16 साल तो धक्के खा रहे हो रैगुलर होण कच्चे मुलाजम पक्के होण पंजाब दे मुलाजमां नूं पे कमीशन तक नहीं दिता गया नवे मुलाजमां ते नवा पे कमीशन ला के उन्हां नूं रोल दिता गया। बहुत सारिया गल्लां ने मुलाजमां दीआं जिहदा फैसला 2022 दे विच पंजाब दी जनता करेगी और असीं घर घर दे विच इह आवाज लैके जावांगे और कैप्टन अमरिंदर सिंह दे जिले तों अज ऐलान करदे आं कि जंग पहला असीं लड़दे सीगे एक मुलाजम होण दे नाते जिथे सानूं सस्पेंड किया जाता सी मुअत्तल किया जाता सी पर हुण तेरी दित्ती नौकरी छड के मैदाने जंग दे विच आ के लड़ाई लड़ रहे हां और अज नौकरी तों अस्तीफा दे के आम आदमी पार्टी ज्वाइन करन दा फैसला किया और दिन रात इस पार्टी दे विच काम करांगे लोकां नाल जुड़ांगे। मैं धन्नवादी हां टीम दा जान साहब बैठे ने जिन्हां ने इस नमाणे नूं माण बख्शिया कि अपनी टीम दे विच शामिल किया और मैं इन्हां नूं विश्वास दिवाउणा कि टीम दे विच शामिल होकर इन्हां दे मोढे नाल मोढा जुड़ के काम करने की कोशिश करांगे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। इनकलाब धन्नवाद सिद्धू साहब। हुण मैं बेनती करांगा साडे यूथ दे प्रधान मीत हेयर जी MLA बरनाला क्योंकि एक होर मसला बहुत वड्डा सरकार दी धक्केशाही दा साडे यूथ दे जिला प्रधान दे उत्ते झूठा परचा दर्ज किया गया उहदे बारे साडे सह प्रधान अमरजीत गगन मान जी और मीत हेयर जी साडे प्रधान जिहड़े MLA बरनाला विस्तार दे नाल नाले उह स्वागत करनगे सिद्धू साहब दा नाले विस्तार दे नाल उस विषय दे उत्ते अपनी गल रखणगे। बहुत तुहाडा धन्नवाद। मैं सब तो पहला जसविंदर सिंह सिद्धू जी जिन्होंने अज आम आदमी पार्टी का पल्ला फड़िया उन्हों का पार्टी च स्वागत करदा ते मैनू खुशी है ते उम्मीद है कि जिस तरह उन्होंने मुलाजमान की मुलाजम जथेबंदियों की टीचर्स की लड़ाई इन्ना लंबा समा लड़ी है ते हुण पंजाब दी लोकां दी लड़ाई जिहड़ी आम आदमी पार्टी लड़ रही है उहनां दे साथ लाउण नाल उहनां दे नाल आउण नाल आम आदमी पार्टी नूं बड़ा वड्डा बल मिलेगा मजबूती मिलेगी। ते जिवें सिद्धू साहब ने कहा कि 2022 च जिहड़े पंजाब दे लोक ने उह चाहे बादल आ चाहे कैप्टन ने इहनां नूं जिहड़ा सबक आ उह सिखाउण। सो जिवें सिद्धू साहब नौजवानां दी बेरोजगारां दी लड़ाई लड़दे सी ते इन्हां दे भी परचे हुंदे रहे ते अज भी पटियाले च जिहड़े भी नौजवान लड़ाई लड़दे आ सरकारां दे विरुद्ध बोलदे आ मंत्रियां मुख्यमंत्रियां दे विरुद्ध बोलदे आ तां उहनां नूं डराया जांदा है उहनां ते परचे पाए जांदे आ। इही इक तुहानूं सारिआं नूं पता होणा है कि 2 दिन पहलां साडा पटियाले जिहड़े दा प्रधान आ वरिंदर सिंह बिट्टू जिहड़ा बड़ा जोशीला लोक हित दी लड़ाई लड़न वाला लोक मुद्दिआं ते गल करन वाला नौजवान है उहदे ते नॉन अवेलेबल जिहड़ा परचा उह दर्ज किया गया। गलती की है जी कहिंदे जी तुसीं बैनर लाता तुसीं पोस्टर लाता आ तुसीं मुख्यमंत्री दे शहर च बैठे हो इत्थों नाभे चले जाओ इत्थों राजपुरे चले जाओ आ संगूर वाली सड़क ते चले जाओ ऐसी किहड़ा चाहे कोई PWD दा होवे चाहे कोई किसे होर सरकारी उहदा होवे हर किते मुख्यमंत्री दी फोटो वाले हर किते पता नहीं किन्ने के कांग्रेसी है ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਨਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਕਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਇਆ ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਨਰ ਲਾਇਆ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰਚੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬੈਨਰ ਨਹੀਂ ਪਰਚੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਰਿੰਦਰ ਬਿੱਟੂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਚੋਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾਧੇ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ
ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੱਲਾ ਬਿੱਟੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਆ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਸੜਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮ ਤੋਂ ਚੋਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮ ਤੋਂ ਚੋਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਚੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਲਓਗੇ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰਚੇ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਆ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਯੂਥ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਾਡੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਅਨਮੋਲ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ ਸਹਿ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਐਡੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਹੀ ਕਾਬਲ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਹੀ ਕਾਬਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਰਚੇ ਪਏ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਪਏ ਨੇ? ਆ ਜਿਹੜਾ SHO ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਟੀ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਮੋਗੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਜਿਹਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਟਾਲੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ ਦਿਨ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਫੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਵੀ ਕਿਹੜੇ MLA ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਲੋਕ ਚੀਕਾਂ ਚੀਕ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ MLA ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 126 ਬੰਦੇ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਮਰੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ। ਉੱਥੇ SHO ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਪਤਾ ਕਰੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਕਈ ਇੰਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਿੱਟੂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਤੀ, ਅਤੇ ਨਾਭੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਐਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਰਸੀਆਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ। ਦੱਸੋ ਬਿੱਟੂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇੱਡਾ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਬਿੱਟੂ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੋਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ, ਇਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾਧੇ। ਇੱਕ 10,000 ਤਕਰੀਬਨ ਉੱਥੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਠੇਕਾ ਕੇਵਲ 67 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਟਾਈ ਹੈ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। 10,000 ਦਰਖਤ ਦਾ ਠੇਕਾ ਸਿਰਫ 67 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ, ਸਿਰਫ 600-700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦਾ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਘਪਲੇ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਖਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਦੇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਪਰਚੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਭੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰੀਫ ਕੀਤਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ